हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनोखा व्यंजन। अनोखा व्यंजन के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही इजी है, सिंपल रेसिपी है, हरे मटर की दाल। तो हरे मटर के अभी सीजन है मटर का, तो ठंडी के वेदर में तो बहुत मिलता है और अभी उसका रेट भी कम हो गया है। तो हम लोग उसके कभी पराठा, तो कभी निमोना सब्जी जो होती है वो, आलू मटर गोभी की सब्जी और अलग अलग टाइप के डिश बनाते हैं। तो आज मैं दाल बना रही हूँ, ये बिल्कुल नॉर्थ इंडियन स्टाइल में मैं बना रही हूँ। बहुत ही ईजी रेसिपी है और सिंपल है, ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है, सब घर में रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना हरे मटर की दाल। तो ये आधा केजी मटर था, उसको मैं छील के अच्छे से ली हूँ। तो एक छोटा सा बाउल कांच का उसमें भर के हुआ है, तो इसको पहले हम लोग उबाल के लेंगे। तो कुकर में इसको डाल देती हूँ और इसमें ये बड़े ग्लास से एक ग्लास पानी, ये देखिए ये बड़ा कांच का ग्लास है, इससे एक ग्लास पानी डाल रही हूँ। और इसमें दो टमाटर है, मीडियम साइज के टमाटर थे, उसको मैं अच्छे से काट के ली हूँ, ज़्यादा बारीक भी नहीं है। ये डालेंगे, ये दाल में टमाटर डालेंगे, थोड़ा खट्टापन आता है तो अच्छा लगता है खाने के लिए, टेस्ट अच्छा आता है। फिर ये अदरक और लहसुन है, उसको मैं ग्रेट कर ली हूँ, कद्दूकस कर ली हूँ, तो ये डाल दे रही हूँ। और चार हरी मिर्ची है, उसको दो टुकड़े में काट ली हुई है। और इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, जैसा दाल उबालने के लिए कैसे हम लोग हल्दी पाउडर डालते हैं थोड़ा सा। और अगर आपको तीखा चाहिए तो मैं आधा चम्मच मिर्ची भी डाल रही हूँ। और इसको चार सीटी हम लोग लगा के लेंगे मीडियम फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे चार सीटी लगा लेती हूँ। देखिए पानी बस इतना ही दी हूँ, तो इतना में ही वो मटर अच्छे से पक जाएगा। मैं इसको ढक देती हूँ और चार सीटी मीडियम फ्लेम पे लगने देती हूँ। चार सीटी दे दिया है, बंद कर दी हूँ और ठंडा हो गया है। तो अब देखते हैं मटर पका क्या नहीं। तो देखिए कलर देखिए, और मटर भी अच्छे से पक गया है, तो इसको थोड़ा मैश कर लेंगे तो अच्छे स्मूथ हो जाएगा ये। तो इससे मैं कर रही हूँ, इसको नीचे ले लेंगे और थोड़ा स्मूथ कर देती हूँ। तो ये बिल्कुल मतलब ज़्यादा नहीं करना है, बट थोड़ा स्मूथ होना चाहिए और लाइक दाल हो जाए होगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा ये। तो इसको 5 मिनट तक ऐसे कर देंगे। देखिए मटर अच्छे से मिक्स हो गया है, बस एक दो मटर बीच बीच में दिख रहा है आखा, तो उतना रहता है। और देखिए बाकी बहुत स्मूथ हो गया है। तो अब इसको हम लोग तड़का लगा लेंगे। तो इसके लिए मैं कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी हूँ गैस पर, गर्म हो गया है कढ़ाई, तो इसमें घी से ही तड़का लगाएंगे। तो ये घी है, तो घी इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा मल्ट होने देती है उसको। तो मल्ट हो गया घी, तो इसमें देखिए ये थोड़ा सा जीरा है और चार सूखी मिर्ची है, तो इसको डाल देंगे। थोड़ा सा जीरा को कड़ी होने देती हूँ, मिर्ची को भी हल्का सा लाल होने देती हूँ। फिर इसमें ये एक चुटकी हींग है, ये डाल देती हूँ। अब इसमें ये आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, बस कलर आने के लिए, तीखा के लिए। तो ऑलरेडी मटर में मैं उबालने के टाइम पे डाल दी थी मिर्ची, तो ये सूखा कश्मीरी लाल मिर्च डाली, तो ये भी हल्का सा हो गया ये। अब तो इसमें हम लोग गैस स्लो कर देंगे और ये मटर को डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। और देखिए तड़का तो बहुत अच्छा लग गया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और देखिए दाल बिल्कुल ही अच्छा दिख रहा है, ज़्यादा पतला भी नहीं है और गाढ़ा भी नहीं है। इसको आप राइस के साथ खाओ तो बहुत ही टेस्टी लगता है, चपाती के साथ भी आप खा सकते हो, पराठे के साथ भी, बट देखने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही टेस्टी है। तो घर के सारे सामान से कितना फटाफट बन गया ये, इसमें एक उबाल आने देंगे फिर बंद कर देंगे। तो हमारा मटर का दाल नॉर्थ इंडियन स्टाइल का रेडी हो गया, कितना इजी था, मतलब 15-20 मिनट में ये दाल रेडी हो गया। तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें। अभी मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा एक उबाल आने देती हूँ बस। तो रेडी हो गया है हरा मटर का दाल, तो बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी था, फटाफट बन के रेडी हो गया। एक बार आप भी ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, जो नए हैं सब्सक्राइब करें और एक बार आप भी ट्राई करें। और कुछ नई भाजी आपको चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, तो मैं जरूर ट्राई बना के दिखाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी। तो बाय।